आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिएटिव का गीगा वर्क्स G500। ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो MF4040। और इसको जो है हमने पूरा खोल रखा है, इसके अंदर नो साउंड का इशू है। और इसके अंदर जो ये येलो कलर्स के गम्स चिपकाए हैं, बहुत सारा रस्ट था, इसको हमने क्लीन किया है, आईसी को भी पूरा क्लीन किया है और रीसोल्डर भी मारा है। और इसके बैक साइड में जो आप देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस थे और सेकंड ये दोनों रेजिस्टेंस ख़राब थे, इसको हमने चेंज किया है और साफ़ किया है थोड़ा। अब जो इसका दूसरा है सर्किट प्रीएम्प का, इसके ऊपर भी तो कुछ खास नहीं है, ये पहले किसी के पास जाकर आया हुआ है, किसी ने बनाने की कोशिश किया होगा, ये सब जगह जगह पे सोल्डर मारा हुआ है, क्या काम किया है वो देखना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। इसको ओके करना है। और ये जो है इसका इनपुट बोर्ड है, और ये इसका कंट्रोल यूनिट है, वर्किंग गुड हो गया है। आपको मैं म्यूजिक सुना देता हूँ, थोड़ा म्यूजिक का आनंद लीजिए। और वर्किंग गुड होने के पीछे का जो रहस्य है, वो रहस्य भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे। ये जो प्रीसेट है, ये प्रीसेट में बहुत काम किया है। क्या काम किया है ये मैं आपको डायग्राम पे आगे चल के समझाता हूँ, डायग्राम के हिसाब से भी समझाऊँगा। फिलहाल इसको आप ध्यान रखो कितने नंबर पिन पे हमने प्रीसेट लगाया है। ये एक ऑसिलेशन के लिए इस्तेमाल किया है हमने, जो मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि ये प्रीसेट ने जो है क्या काम किया है, कैसे काम किया है। फिलहाल इसको फिट करेंगे, क्योंकि इसको ये जो है ऑसिलेटर आईसी है इसका, जो आउटपुट आईसी को ड्राइव करने के लिए एक तरह से समझिए आप इस्तेमाल करता है ये। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, वो रेजिस्टेंस को हमने ओपन कर दिया है ताकि यहाँ से कुछ अदर बैकअप सप्लाई वगैरह ना जाए यहाँ से वहाँ। 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये। और ये जो ट्रैक है आईसी के पिन पे जाता है, ये आप देख लीजिए, वहाँ पे हमने ब्लू कलर का वायर लगाया है। अभी इसको हम फिट करेंगे। दूसरे राइट है ये जो और ये फाइनली सेंटर। आवाज़ सभी में है, वर्किंग गुड है। इसको पहले फिट करते हैं, फिट कर दिया है इसको, आप सुन सकते हैं म्यूजिक। अभी हम आपको आगे चलते हैं और डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं।
अभी हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। तो सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट का जो ये सॉकेट है 9 पिन का, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आगे आपको समझा देता हूँ। सेकंड नंबर पे आता है आपका ये पावर सप्लाई सेक्शन, उसके बाद आता है ये एम्पलीफायर सेक्शन, उसके बाद आता है ये आपका इंटरफेस जो प्रोलॉजिक के जैसा काम करता है, प्रोलॉजिक सर्किट, उसके बाद है ये आपका प्रीएम्प, और फिर आता है वॉल्यूम कंट्रोल यूनिट जो ये 9 पिन के कनेक्शन का मैंने आपको बताया था। और ये जो 9 पिन का जो कनेक्शन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ये काम आएगा। 9 ही पिन का है ये, बाकी का 3 जो है बॉडी ग्राउंड है। इसके आगे इसके सारे पिन्स जितने भी कनेक्टर्स हैं उसके पिन्स के कनेक्शन है, आप चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, हेल्पफुल होगा नेक्स्ट टाइम। अभी हम बात करते हैं उस प्रीसेट की, जिस प्रीसेट मैंने क्यों लगाया था और जो ऑसिलेशन है उसका वो किस हिसाब से काम करता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अभी ये जो है वो आउटपुट आईसी का डेटा शीट है, इससे हमने निकाल करके चेक किया था। ये है वो पिन नंबर 7 जहाँ पे मैंने प्रीसेट लगाया था, आप इसको देख लो। अभी यहाँ पर इन्होंने 30K का रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है, लेकिन ये आईसी चूँकि हर एक सेक्शन में अलग अलग कंपनियाँ जो है इसको यूज़ करती हैं, तो किसी में 30K है, किसी में अदर वैल्यूज़ है। अभी ये जो क्रिएटिव का वूफर है इसमें क्या वैल्यू लगेगा ये तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने जो है प्रीसेट लगाया। प्रीसेट लगा के उसको कितना कितने पे जाके वो साउंड सेक्शन क्रिएट हुआ, साउंड आई, उस हिसाब से उसको मैंने एडजस्ट करके उसको वहाँ पे छोड़ दिया। मैं चाहता तो उसको रेजिस्टेंस भी लगा सकता था पर मैंने नहीं लगाया कि आगे चल के कुछ दिक्कत ना दे, लेकिन फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं दिया और वर्किंग गुड है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है, ये ऑसिलेशन सेक्शन का है और वो ऑसिलेशन सेक्शन जो है जो एक दूसरी आईसी थी ऑसिलेशन की जो काम नहीं कर रही थी, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। मार्केट में अवेलेबल होती तो मैं ज़रूर ख़रीद कर डाल देता, तो मुझे प्रीसेट इस्तेमाल करना पड़ा और वो वर्किंग गुड हो गया।